खबर इस वक्त की ये कि फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले पर कार्रवाई तेज कर दी। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली के तिलक मार्ग थाने में दरअसल शिकायत दर्ज कराई गई है। स्वरा भास्कर के खिलाफ ये शिकायत दर्ज कराई गई है, अरफा खानम शेरवानी के खिलाफ भी ये शिकायत दर्ज कराई गई है। तो बड़ी खबर, वायरल वीडियो केस में ये शिकायत दर्ज करवाई गई, ट्विटर इंडिया के हेड के खिलाफ भी इसमें शिकायत दर्ज कराई गई है। ये पूरा मामला बुजुर्ग की मारपीट पर भड़काऊ ट्वीट के आरोप में हुआ है और उसी को लेकर शिकायत दर्ज कराई गई है। दिल्ली के तिलक मार्ग थाने में ये शिकायत दर्ज कराई गई जो कि स्वरा भास्कर के खिलाफ, और अब किस तरीके की कार्रवाई आगे बढ़ती है इस पर नजर रहेगी। लेकिन दिल्ली के तिलक मार्ग थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है, साथ ही साथ ट्विटर इंडिया के हेड के खिलाफ भी शिकायत दर्ज कराई गई। आनंद तिवारी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं अपडेट के साथ। आनंद जी, देखिए डीसीपी नई दिल्ली दीपक यादव के मुताबिक जो एक एडवोकेट है अमित आचार्य, उन्होंने एक शिकायत जो है वो दिल्ली पुलिस को दी है और उसमें सीधे तौर पर ये आरोप लगाए हैं कि गाजियाबाद के लोनी में जो बुजुर्ग पिटाई का जो एक वायरल वीडियो हुआ था जिसने काफी तूल पकड़ा था और बाद में कहानी कुछ और निकली थी, जिसे सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की गई थी, उस मामले में इस बुजुर्ग के साथ पिटाई के सपोर्ट में स्वरा भास्कर, आरफा खानम शेरवानी, आसिफ खान और ट्विटर इंडिया, इन तमाम लोगों के खिलाफ शिकायत दी है जो एडवोकेट है, और उस पर जो लीगल एक्शन है वो पुलिस लेगी। पुलिस का कहना है कि अभी कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई, लेकिन जिस तरह के आरोप लगे हैं उनकी विवेचना की जाएगी और तिलक मार्ग थाने में ये एफआईआर दी, ये शिकायत दी गई है जिस पर पुलिस जो है वो कार्रवाई कर रही है। तो कहीं ना कहीं ट्विटर इंडिया जो है वो कानूनी अड़चनों से गिरता नजर आ रहा है, जिस तरह से लोनी में एफआईआर दर्ज हुई है और अब दिल्ली में एक शिकायत जो है वो दी गई है, तो कहीं ना कहीं ट्विटर इंडिया की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं, जिस तरह से लगातार ट्विटर इंडिया पे सवाल खड़े हो रहे हैं कि जिस तरह से ट्वीट हो रहे हैं और उन्हें सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की जा रही है। शुक्रिया आनंद। तो फिलहाल अब देखिए लगातार कार्रवाई हो रही है, कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं, लेकिन सीधे सीधे तौर पर कहें तो ट्विटर की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं कि ट्विटर के खिलाफ भी यहां पर शिकायत दर्ज कराई गई है कि ऐसे वीडियो जब वायरल हो रहे थे तो उन्हें रोका क्यों नहीं गया। ट्विटर इंडिया से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने ट्विटर इंडिया से कांग्रेस टूलकिट मामले में पूछताछ की। ये पूछताछ 31 मई को ट्विटर इंडिया के प्रमुख से की गई थी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बेंगलुरु में ट्विटर इंडिया के प्रमुख से पूछताछ की थी।